जो टमाटर के रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पंजाब में हाहाकार मचा पड़ा, जैसे पाकिस्तान में 1000 रुपए किलो हो गए थे, अब जहाँ पे 100 रुपए हो गए। मेरा ख्याल है अगर इसको ना रोका गया तो ये 500 से ऊपर चले जाएंगे। ये ब्लैक मेल जो कर रहे हैं लोग, स्टोर करी बैठे हैं, उनके ऊपर सरकार को कवर करना चाहिए, सरकार को उनकी सूद लेनी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए। अभी 10 रुपए का रेट 1000% बढ़ा देना एक दिन में, कभी धनिया का रेट 400 रुपए कर देते हैं, कभी मटर का 150 रुपए कर देते हैं, 200 रुपए कर देते हैं, ये सब ब्लैक मेल है। और जो केले दर्जन के हिसाब से मिलते थे, अब तोड़ कर देने लगे, 60 रुपए दर्जन आते थी, अब 60 रुपए के नहीं 120 रुपए की दर्जन आती है, और उसमें भी आधे होते हैं, आधे छिलके होते हैं, लूटा जा रहा है सरेआम, कोई बोल नहीं रहा। आज किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट कर रहा भी मैं, दुल्ला बनकर जा रहा हूँ, और ये रात रुत मेरा सजा हुआ है, ये मेरे हाथ में टोकरा है, जहाँ पर ये रिबन काटने की कोई रस्म होती है रास्ते में, वहाँ पर सालियों को पैसे की जगह पर टमाटे का ये छोका पेश करूंगा। और ये असला इसलिए उठाया कि इसको कोई लूट लूट कर ना ले जाए, क्योंकि पंजाब में थोड़े हालात मरे। क्या कहना चाहेंगे तो सरकार को? सरकार से बस बेनती कर सकते हैं भाई, इनसे जो स्टोर वाले हैं इनको, प्रशासन को भी चाहूंगा, प्रशासन भी कर सकता है, सरकार तो कर ही सकती है भी, कम से कम महंगाई से तो राहत दो ना। हर चीज महंगी है, दाल 100 रुपये है, 110 रुपये किलो होगी, अगर होटलों पर लेने जाते हैं तो 1000 रुपये किलो की पड़ती है, कोई बोलने को तैयार ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ यार, 30-30, 40-40 रुपए की रोटी बिक रही है होटल पे और कोई नहीं बोल रहा, इतने खामोश क्यों है, मेरा तो सवाल है। इसीलिए मैंने भाई जी अपनी रक्षा के लिए असला उठाया हुआ।